द्वापर युग का समय चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाविष्णु अपने 8वें अवतार में जन्म ले चुके थे। सभी देवता, भगवान, सुर, ऋषि मुनि भेष बदल बदल कर एक एक करके बाल कृष्ण से मिलने आ रहे थे। वह देख भगवान शिव के मन में भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर वह यह सोचकर रुके हुए थे कि बाल कृष्ण के लिए उपहार के रूप में क्या दिया जाए जिसे वह हमेशा अपने पास रख सकें। तब शिवजी को याद आया कि उनके पास महान ऋषि दधीचि की वज्र की अस्थि रखी हुई है। ऋषि दधीचि वह ऋषि हैं जिन्होंने राक्षस एवं असुरों के संहार के लिए अपनी आत्मा त्याग कर अपनी वज्र की हड्डियां देवताओं को दान दी थी, जिससे ऋषि विश्वकर्मा ने कुछ हथियार बनाए थे। उस बची हुई एक हड्डी को तराश कर भगवान शिवजी ने एक अत्यंत सुंदर बांसुरी बनाई। फिर जब वह बालक भगवान कृष्ण से मिले तब उन्होंने वही बांसुरी उन्हें भेंट की। वो सुंदर भेंट कृष्ण भगवान को बहुत पसंद आई थी। शिव और कृष्ण भगवान के बीच स्नेह देखकर उस दिन देवताओं ने भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला इस नाम से गौरवान्वित किया। उसी बांसुरी को ही कृष्ण भगवान अपने अवतार काल के अधिकतम समय हमेशा अपने साथ रखा। तो यह थी कृष्ण की बांसुरी की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।